नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर, जो कि प्रवक्ता हैं हिस्सेदारी मोर्चा के। आज हम इनकी जर्नी पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से इनका आज तक का सफर रहा है। सबसे पहले तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल जी। जिस तरीके से हम लोग हमेशा शख्सियत में शख्सियत की जर्नी पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आपकी एक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो भी फैमिली बैकग्राउंड था, किस तरीके का वातावरण था आपके घर का। जी देखिए, मैं तो बहुत छोटे परिवार से आता हूँ जी, और हमारे जो पिताजी अशिक्षित थे, माता जी भी हमारे घर पर, हमारे अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। काफ़ी संघर्ष से भरा रहा हमारा पारिवारिक स्थिति उस समय, लेकिन हमने चुनौतियों को स्वीकार किया। और मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, माँ ने मेरी जो भी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण किया, और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा इकलौता शुरुआत। मैंने शिक्षा की डिग्री ली, मेरी क्वालिफिकेशन है इकोनॉमिक्स से MBA जी। और मैं मेरे परिवार के सभी, मेरे तीन बेटे हैं, तीनों बेटे क्वालिफाइड हैं। एक बेटा मेरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, दूसरा बेटा मेरा ग्रेजुएट करके बैंक, प्राइवेट बैंक में जॉब करता है, और तीसरा बेटा मेरा BCOM कर रहा है, सेकेंडरी। जी जी जी। मेरी बेटियां नहीं है जी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक तरह से यह देखेंगी तो मेरी बेटियां सबसे ज़्यादा है जी। मैंने शपथ लिया है कि समाज सेवा के माध्यम से मैं 101 बेटियों का कन्यादान करूंगा जी जी, जिसमें मैं 4 कर दिया हूँ और एक कल आया है जी। तो फिर ये माननीय जोगी जी के सौजन्य से 7 तारीख को सामूहिक शादी होना है जी। उसमें एक बेटी को मैं और एक कन्यादान दूंगा। अच्छा बाबूलाल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक निर्धन परिवार से थे, तो किस तरीके से आप मैनेज करते थे सारी चीज़ों को, क्योंकि बचपन में ही आपके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उसके चलते और आप बड़े बेटे थे, तो उसकी वजह से आपने मतलब किस तरीके से अपना जो भी करियर था, अपने करियर को लेके और अपने घर को किस तरीके से सामंजस्य बिठाया। जी मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ, मैं और मेरी एक बहन थी जो हमसे बड़ी थी, शादी हो गई है जी। मैं 87 में हाई स्कूल पास किया जी, तो उस समय तो माता पिता के, माँ के सहयोग से किया, लेकिन कठिनाइयाँ पढ़ाई लिखाई में कठिनाइयाँ होने लगी, तो हम एक उस समय कुछ मित्रों से, कुछ सगे संबंधियों से कुछ पैसे, कुछ माँ ने पैसे बचा करके रखी थी जी, तो और कुछ मिला करके हमने एक जीप लिया जी, प्राइवेट जीप। वह जीप मैं चलाता था, और चला करके जो भी पार्ट टाइम, जो भी 2 घंटा 4 घंटा अपना चलाते थे, जो भी पैसा आता था जी, उससे मैंने इंटर किया जी। बलिया मैं कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज से मैंने 92 में BA किया जी, और बलिया मुरली मनोहर टाउन डिग्री से मैंने 94 में MA किया जी, और बलिया मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज से मैंने 97 में BEd किया जी जी। तो उस समय हमारी जो घर का जो खर्चा था, पढ़ाई लिखाई का खर्चा था, मैं उस समय अपनी स्वयं गाड़ी से जी, जो जीप, पुरानी जीप लिया था जी, उस जीप से मैं परिवार का भी काम पालन पोषण करता था, घर चलाता था जी, और मैं अपना भी कार्यक्रम कर, मतलब कि वो खर्चा वहन करता था जी। बाकी बाबूलाल जी, आपने किस तरीके से मतलब अचानक से ही राजनीति में आने का आपने कैसे विचार किया कि आपको राजनीति में जाना चाहिए। देखिए, इस राजनीति में मेरा बहुत कम का सफर रहा है। मैं पहली बार 2018 में, चूंकि मैं बचपन से ही समाज सेवा करने की मुझे ललक थी, मैं गाँव में समाज सेवा करता था जी, खेलकूद का समूह हो या पूजा पाठ वगैरह जो भी कार्यक्रम होता था हम लोग गांव में करते थे, लेकिन 2018 के बाद से ही मैं गांव से बाहर निकलने का, दूसरी चीज की एक मौका मिला, और मैंने एक शोषित एकता सेवा समिति नाम का मैंने एक NGO बनाया जी, रजिस्टर्ड NGO बना। उस NGO के माध्यम से मैं शोषित समाज के लिए जी, उनके लिए मैं काम किया। मैं उनके हर सुख दुख में, हॉस्पिटल से लेकर के पुलिस तक कोर्ट कचहरी तक मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद दूसरी चीज़ की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूँकि क्वालिफिकेशन हमारी
क्वालिफिकेशन हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई है जी। तो मैं अपने गांव के बगल में ही एक इंटर कॉलेज था, तो उस इंटर कॉलेज में मैंने 7 साल प्रवक्ता के रूप में मैंने पढ़ाने का काम किया, टीचिंग का काम किया। और फिर मैंने वहाँ से निकला, थोड़ा सा परिस्थिति अनुसार पैसा कम मिलता था क्योंकि प्राइवेट विद्यालय था जी। तो मैंने ट्रैक्टर लिया, कृषि का कार्य करने लगा। 3-3 ट्रैक्टर भी हम रखते थे, लेकिन दैविक प्रकोप के कारण हमेशा कभी सूखा कभी वो आता रहता था। तो मैंने 2007 में ट्रैक्टर भी बेच वेच करके मैं कचहरी में डीड राइटर का काम अभी भी करता हूँ। जैसे आप उसको हम लोग हिंदी में वसका नोइस करते हैं जी। जैसे आप जमीन ले खरीदती हैं बेचती हैं, तो हमें उस जमीन को रजिस्ट्री ऑफिस में लिखने का अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से जी। और इस समाज सेवा के माध्यम से मैं जब गाँव में काम किया तो मुझे लगा कि हम गरीब तबके के लोगों को हम क्षणिक कुछ दिन के लिए उनकी जो भी आवश्यक आवश्यकताएँ हैं, रोटी कपड़ा की व्यवस्था तो कर सकते हैं जी, लेकिन हम अस्थायी रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं जी। हालांकि मुझे राजनीति से बड़ा नफरत थी, यदि मुझे राजनीति कर्मी होती, राजनीति से प्रेम होता, तो जो मैं काम अभी 2018 से 19 से कर रहा हूँ, यह काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था जी। लेकिन राजनीति से मुझे बहुत नफरत थी। लेकिन मैंने यह अनुभव किया, समाज सेवा के माध्यम से मैंने अनुभव किया कि हम तो समाज के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए काम करते हैं जी। लेकिन इस जो हमारे समाज की जो इस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था है जी। इतनी नीचे गिरी हुई है, इतनी नीचे गिरी हुई है कि लोग गरीबों की बात करते हैं जी। उनके हर सुख दुख की बात करते हैं, तब जब वोट लेने की बात आती है तब जी। फिर वोट लेने के बाद 5 साल वो लखनऊ के बड़े बड़े सिंहासनों पर, दिल्ली के बड़े 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 सिंहासनों को सुशोभित करते हैं और केवल बातें करते हैं, कुछ समाज को देते नहीं है जी। तो मैंने कहा कि सबसे बड़े समाज के दुश्मन यही लोग हैं जो केवल अवसरवादी के तौर पर चुनाव के वक्त गांव में गरीब तबके के लोगों के बीच जाकर के उनका भोली भाली जनता का मोटिवेट करके, प्रलोभन दे करके, वोट लेकर के 5 साल शोषण करने का काम करते हैं जी। तो मुझे ये लगा कि यदि ऐसे लोगों को यदि समाज से हम बहिष्कृत करते हैं, समाज से हटाते हैं और अच्छे लोगों को उसके जगह पर लाते हैं, तो निश्चित रूप से शोषित समाज जो गरीब तबके के, जो आज जब भी चुनाव आता है, देश जब से आजाद हुआ है तब से आज तक जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी सरकारें आती है, जो भी सरकार सत्ता में जाती है, गरीबों के नाम पर ही जाती है। लेकिन आज तक हमारे समाज की, हमारे देश की गरीबी मिटी नहीं है, बल्कि और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए हैं। जबकि नेताओं की आर्थिक स्थिति लड़ने के वक्त 0 होती है और 5 साल विधायक मंत्री रह जाते हैं, तो फिर तो पूछना ही क्या है कि कितने उनको हम था नहीं लगा पाते हैं कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो मैं इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए, उन नेताओं को समाज से अलग थलग करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए, मैंने उन नेताओं को विरोध करने के लिए, उन नेताओं को अलग थलग करने के लिए मुझे राजनीतिक प्लेटफार्म की जरूरत पड़ी जी। तब मैंने एक शोषित समाज पार्टी का गठन किया और उस शोषित समाज पार्टी के माध्यम से हमारे समाज में, हमारे पार्टी में बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं जी। क्योंकि मैं शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व रखता हूँ, शिक्षा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ। आज हर काम सरकार या सभी लोग हमारे देख रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि हम आपके सामने आपके स्टूडियो में बैठ करके अपनी बात को जनता तक शेयर कर रहे हैं जी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति का यही है कि जो हमारे समाज को गलत दिशा की तरफ से जो राजनीतिक नेता ले जा रहे हैं, राजनीति को निम्न स्तर तक ले जा रहे हैं, उनको समाज से, राजनीति से अलग करना है। अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, आप बाबूलाल जी, आपने जैसे शोषित समाज पार्टी एक बनाई है, तो शोषित समाज पार्टी किस तरीके के मुद्दों पे खासकर काम करती है और क्या क्या चीज़ें आपने, कौन कौन से आंदोलन किए हैं इस शोषित समाज पार्टी के दौरान में? देखिए, ये एक चीज, मैंने जब नाम का निर्धारण किया, मुझे महसूस हुआ कि हमारे समाज में जितनी भी पार्टियां हैं, हम नाम रख देना चाहते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वह समाजवादी पार्टी एक विशेष परिवार की पार्टी है जी। आपको राजनीति करनी है, आपकी बैकग्राउंड क्या है,
उससे मतलब नहीं, उस परिवार को संतुष्ट करिए, उस व्यक्ति को संतुष्ट करिए, आप राजनीति में प्रवेश कर पाएंगे उनके माध्यम से जी। और बात समाजवादी की होती है, लेकिन वहाँ वोट के बाद, वोट लेने लेते वक्त समाजवादी की बात आती है जी। लेकिन वोट लेने के बाद परिवारवाद का बात, परिवारवाद चरम सीमा पर चलता है। उनकी कोई भी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, मंत्रिमंडल का लिस्ट उठाइए, विधायकों का लिस्ट उठाइए, नौकरी जो उनके सरकार में, उनके कार्यकाल में जो नौकरी निकलती है उनका लिस्ट उठाइए। यही हाल बहुजन समाज पार्टी की जी। और यही हाल हमारे समाज के एक सबसे छोटे दल है जो इस समय बड़ा चर्चा के केंद्र रहते हैं, उनको मीडिया के माध्यम से, उनको एक तरह से जैसे फिल्मों में 3 घंटे का फिल्म होता है, उस फिल्म में 5 मिनट का दर्शक जब उप बजाते हैं तो एक कॉमेडियन रोल चलता है जी। तो उस कॉमेडियन इस राजनीतिक जो पिक्चर है, राजनीतिक जो वो है पोस्टर है, उसमें ये कॉमेडियन का रोल करते हैं जी। वो हमारे समाज के ही हैं, मैं आदर के साथ उनको बहुत सम्मान करता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी, जी। आज उनके बैनर को देख लीजिए, सपा के बैनर को देख लीजिए, बसपा को बैनर को देख लीजिए, सपा के बैनर पर देखेंगे तो माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, ओम प्रकाश के बैनर पर देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे जी। बसपा के बैनर पर देखिए तो मायावती को देख लीजिए, बस उसके चूंकि उनके परिवार के लोग अभी तक वो नहीं आगे आए हैं तो ये देख लीजिए। एक हमें लगा कि इस देश में, और कांग्रेस की बात कर रही है तो कांग्रेस भी वही है जी। पहले राजीव गांधी हुआ करता, इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो उनके और बेटे हुए करते थे, आज सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, चौथा नाम इस पार्टी में आपको नहीं मिलेगा जी। बाकी अब जैसे आप अभी अभी तक आपकी एक शोषित समाज पार्टी का आपने गठन किया था, वो अपहरण कर रहे थे, अब आपका जो बीजेपी से गठबंधन हुआ है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उससे गठबंधन हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से अपनी दावेदारी को उस पार्टी के साथ अपनी मजबूत करेंगे और किस तरीके से सहयोग करेंगे योगी सरकार को? देखिए जब राजनीति में हम आए हैं तो अभी छोटे हैं, बड़े बनने में समय लगेगा जी। अब बड़े बनने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत हमें पड़ेगी जी। तो मैंने अध्ययन किया कि 3-3 पार्टियां मैंने देखा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा है और माननीय हमारे समाज के ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है जी। सब मैंने देखा कि उनका काम कुछ नहीं, पार्टी चल रही है पैसे के बल पर चल रही है, फंडिंग के बल पर चल रही है और झूठे आश्वासन के बल पर चल रही है। दूसरी चीज की हमारी लड़ाई उनसे विपरीत है जी। वो परिवार के लिए लड़ते हैं, हम समाज के लिए लड़ते हैं जी। एक बीजेपी एक पार्टी हमें ऐसी दिखी कि हम नहीं कह सकते हैं कि यह पार्टी किसकी है जी। हम यह नहीं कह सकते हैं कि किस व्यक्ति को खुश करके हम इस पार्टी में काम कर सकते हैं जी। अलग अलग पद है, अलग अलग पदों का महत्व है, अलग अलग लोग हैं। इसी आधार पर मैंने भी अपने पार्टी का निर्माण किया है। शोषित समाज पार्टी, शोषित एक ऐसा शब्द है, गरीबों की ना कोई जाति होती है ना ही कोई धर्म होता है, जो गरीब होता है जी वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, उसका शोषण होता है। तो आने वाले 2022 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी अपने दावेदारी की अपनी पैठ बना पाएगी इस बार? देखिए पहले क्या था कि आज के चुनाव में और पहले 2017 के जो बात के जो समीकरण बन रहे हैं, 2017 के पूर्व केवल लोग व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट करते थे जी। उनकी क्वालिटी को, उनके पार्टी के सिद्धांतों को नहीं देखते थे जी। अब क्या है, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है जी। आज भी कुछ लोग हैं लेकिन बढ़ रही है। आज लोग काम कर्म के आधार पर, काम के आधार पर, नियत के आधार पर देख रहे हैं जी। अब जाति तो है लेकिन जहाँ कर्म की बात आती है, काम की बात आती है, वहाँ जातिवाद खत्म हो जाता है। इसका रिजल्ट आपको 2017 में 315 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत करके इसका एग्जाम्पल दिया है, 2019 में एग्जाम्पल दिया है जी। तो फिर 2022 में भी वह एग्जाम्पल पुनः दोहराया जाएगा, इसलिए कि इस समय यह पार्टी किसी जात विशेष, किसी धर्म की पार्टी नहीं है, यह कर्म के आधार पर चल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भी, और हम लोग भी एक हिस्सेदारी मोर्चा का गठन किया है, इसमें हम जैसे छोटे छोटे 10 दल हैं तो उस दल का मैं एक हिस्सा हूँ, उस दल का, उस मोर्चे का मैं प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया हूँ जी। तो हमारा सब, दूसरी चीज की यह 10 जो दल है अलग अलग समाज के हैं जी। तो अलग अलग समाज में आइए, इसमें ऐसे लोग हैं, साधन संसाधन तो कम है
लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा है इसलिए कि ये जमीन पे लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला 2022 2017 से भी प्रचंड होगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। 2022 में 2017 में बीजेपी का 325 सीट था, तो यह 330 सीट से कन्फर्म होगा। आखिर में हम चाहेंगे आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी के सभी जो भी लोग हैं, आप हैं, अपने पार्टी की तरफ से, अपने मोर्चे की तरफ से, और विशेष रूप से आज इतना पवित्र दिन है हम लोगों के हिंदू धर्म के माध्यम से, आज पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा के दिन में दिन पर मैं सभी जो भी देशवासी हैं और आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य, जय सत्य। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी के शो में अपना समय देने के लिए। आज के प्राइम टीवी के शो में हमने शोषित समाज पार्टी के बाबूलाल राजभर से बात की। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना आज तक का सफर तय किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।